हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमके मैथ्स वर्ल्ड। स्टूडेंट्स, आज हम 14 चैप्टर जो है 9th क्लास का वो स्टार्ट करेंगे। नाउ ये चैप्टर है हमारे पास सर्कल। तो सबसे पहले सर्कल की चैप्टर की कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो हैं, फैक्ट जो हैं, वो देख लेते हैं जल्दी से। इसमें से मोस्टली आपको पता ही होंगे, प्रीवियस क्लासेस में आपने किए होंगे, लेकिन एक बार जरा दोबारा से देखो। जैसे सर्कल है, ठीक है, सर्कल क्या होता है? एक क्लोज फिगर जिसका सेंटर से यहाँ से सभी जो है ये डिस्टेंस क्या होता है, सेम। ठीक है, जैसे स्टूडेंट आपको कोई सर्कल ड्रॉ करने को बोले तो आप कंपास लोगे, कंपास को सेंटर में रखोगे, जो सेंटर यहाँ पे रखा है ना, यहाँ पे रख के आपने जितनी ये लेंथ ली सर्कल ड्रॉ करने के लिए, जितनी आपने कंपास खोली, इट मीन्स वो क्या है आपका रेडियस। ठीक है, और ये क्या है सेंटर। क्लियर, फिक्स पॉइंट, यहाँ से सभी जो हैं ये इक्वल होंगे। कहीं भी लाइन लगाओ आप, वो क्या होगा सर्कल का रेडियस, और वो इक्वी डिस्टेंस पे होगा। क्लियर, ठीक है, ये रेडियस हो गया आपके, ये सेंटर हो गया। नाउ कॉर्ड ऑफ सर्कल, कॉर्ड क्या होती है? सर्कल के किसी भी दो पॉइंट को जो लाइन मीट करे, ठीक है, दो हिस्सों को टच करे, उसे सर्कल उसे कहते हैं कॉर्ड। ठीक है, जैसे ये कोई भी लाइन हो सकती है, इधर कहीं भी ड्रॉ कर लो, टू पॉइंट्स को मीट करे। ठीक है, सेंटर से अगर मीट कर जाए तो उसे बोलते हैं डायमीटर। ठीक है, होती वो भी कॉर्ड ही है, लेकिन सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड है, इसलिए इसे बोलते हैं, ये सेंटर से जो भी लाइन, जो भी कॉर्ड सेंटर से पास कर जाए उसे बोलेंगे डायमीटर। ठीक है, ये देखो हाफ हो गया रेडियस, ये इतना रेडियस बोला था ना अभी हमने, तो ये भी रेडियस पूरी, यानी कि 2r, 2 इंटू आर जो है वो किसके इक्वल होता है डायमीटर के। ठीक है, नेक्स्ट सीकेंड, सीकेंड क्या होती है? जो भी सर्कल से इस तरह से लाइन पास कर जाए, ठीक है, उसे बोलते हैं सीकेंड। आर्क क्या है? जैसे ये एक कॉन्टिन्यूस पार्ट ऑफ सर्कल इसका आर्क। ठीक है, ये वाला जैसे ये पी ए ए क्यू, ये क्या है माइनर आर्क। ठीक है, जैसे यहाँ पे शो किया हुआ है उसने, ये माइनर आर्क, और ये वाली जो है बड़ी है ना, बड़ी मींस मेजर आर्क। क्लियर, सेमी सर्कल क्या होता है? सेंटर से अगर, ठीक है, पास करे जो लाइन, और ये जो है सेमी सर्कल मींस हाफ सर्कल जो है इसका। ठीक है, ये सेमी सर्कल और ये सेमी सर्कल दोनों कंप्लीट करके ही सर्कल बनते हैं। ठीक है, उसके बाद सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस क्या होता है? जैसे पेरीमीटर आप फाइंड आउट करते हो ना, तो सर्कल के पेरीमीटर को ही हम क्या कहते हैं, सर्कमफ्रेंस, जो इसकी बाउंड्री है उसकी प्लस। उसके बाद है सेगमेंट, तो जैसे ये ड्रॉ की हमने लाइन, तो यहाँ पे ये माइनर सेगमेंट और ये मेजर सेगमेंट, सेगमेंट मीन हिस्सा। ठीक है, ये छोटा हिस्सा सर्कल का, ये बड़ा वाला। नेक्स्ट है सेक्टर, तो कोई भी ये आर्क जो है इस तरह से एंगल ड्रॉ करे तो उसे बोलते हैं सेक्टर। ठीक है, माइनर सेक्टर और ये वाला बड़े वाला जो है वो क्या है, मेजर सेक्टर। ठीक है, कौन सेंटर सर्कल्स, ये सर्कल के बीच में सर्कल्स, ठीक है, जिनका सेंटर क्या हो सेम बट रेडियाई क्या हो डिफरेंट। ठीक है, उन्हें बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक सेंटर सर्कल। नाउ इक्वल सर्कल क्या होते हैं? जिनकी रेडियस जो है वो क्या हो इक्वल। ठीक है, क्लियर है। तो इस तरह से ये सभी टर्म्स आपने एक बार रीड कर लेनी है, फिर आपको चैप्टर जो है समझने में इजी लगेगा। तो स्टूडेंट, चैप्टर करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे थ्योरम्स कुछ तीन हुई हैं, उनको एक बार रीड कर लो आप, ठीक है, समझ लो कि क्या होती हैं, उसका मीनिंग क्या है, वही आपने यूज करनी है सम्स में। ठीक है, जैसे ये है फर्स्ट थ्योरम, द स्ट्रेट लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर, कहता सेंटर से अगर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की जाए यहाँ पे ये क्वाड पे, ठीक है, तो वो डायमीटर तो नहीं होती, ठीक है, वो क्या होती है राइट एंगल बनाती है, कहां पे, ये कॉर्ड पे। क्लियर, तो इसको क्या करती है, वो बाइसेक्ट करती है और परपेंडिकुलर बनाती है, और ये दोनों साइड्स जो हैं वो क्या कर देती है इक्वल, ये हाफ पी
पी इक्वल टू पी बी के इक्वल, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट सेकेंड जो है, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू एनी ऑफ इट्स कोर, बाइसेक्ट द कोर, वही बात, ये राइट एंगल बनाती है और इसको कोर को क्या कर देती है, बाइसेक्ट कर देती है, ठीक है, हाफ पे। ये जो है ए पी वो किसके इक्वल होगी, पी बी के, और हमेशा सेंटर से ये तो पता ही है कि क्या हो है रेडियस, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज, ये वाली टर्म्स, रेडियस, कोर, डायमीटर, सिकेंड, आर्क, सेमी सर्कल, मेजर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट, ये सभी आपको पता चल गए हैं, ठीक है। तो नाउ जो सबसे इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट इस एक्सरसाइज में आपको यूज होना है वो ये है, आपको एक कोर दी रखी होगी और सेंटर से ये वाला क्या होगा रेडियस और ये परपेंडिकुलर, ठीक है, और ये दोनों साइड्स क्या होती हैं इक्वल, ए सी जो है वो किसके इक्वल, सी बी के, बाइसेक्ट करती है इसको, यही है मेन। और इसमें मेन चीज क्या है, ये क्या बन रही है, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, और यूज क्या होना है, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। 17 चैप्टर आपने अच्छे से किया था ना, पाइथागोरस थ्योरम यूज की थी ना, वही होनी है बस इस एक्सरसाइज में यूज की, हाइपोटन्यूज, ये बड़ी वाली साइड हाइपोटन्यूज, ठीक है, ये परपेंडिकुलर और ये बेस, ये फॉर्मूले तो आपने किए ही हुए हैं, ठीक है। हाइपो बड़ी वाली साइड का स्क्वायर दूसरे दोनों के प्लस के इक्वल होता है, लेकिन अगर इन दोनों को फाइंड आउट करना बी या बी, तो बड़ी वाली साइड एच स्क्वायर में से दूसरी वाली को माइनस कर देंगे, ठीक है। सारी एक्सरसाइज इसी पे बेस्ड है। नाउ फर्स्ट सम देखो, फटाफट से वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें बच्चे, ठीक है। नाउ देखो, फर्स्ट ए क्वाड ऑफ लेंथ 16 सेंटीमीटर, क्वाड की लेंथ 16 सेंटीमीटर है, डायमीटर दिया हुआ 20 सेंटीमीटर, डिस्टेंस कैलकुलेट करना है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। में हमें यहाँ पे डायमीटर दिया हुआ था, ये सेंटर से पास कर ली लाइन, वो डायमीटर होती है, अगर ये 20 है तो इसका हाफ रेडियस भी, ये हाफ, ठीक है, रेडियस कितना आ गया 20 बाय 2 से डिवाइड करके 10 सेंटीमीटर। स्टूडेंट रेडियस तो सभी सेंटर से सर्कल के किसी भी पार्ट को टच करे वो रेडियस ही है, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, है ना। तो इट मीन्स ये हमारे पास ओ ए आ गया 10, क्योंकि ये भी तो रेडियस ही है, ठीक है। और क्या दिया हुआ था, ए भी दी हुई थी 16। अब कोई भी सेंटर से, अभी हमने थ्योरम पढ़ी ना कि परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करे और उसको बाइसेक्ट करती है, बाइसेक्ट मींस हाफ करती है, तो अगर ये 16 है तो ये 8 8 हुआ, है ना, तो ये 8 आ गई हमारे पास, ये 10 आ गई। ये वाली साइड अब देखो ध्यान से, ये एक ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम ये फाइंड आउट कर लेंगे, है ना, यही तो फाइंड आउट करना था हमने, ओपी का डिस्टेंस दोनों कोर्ड का, है ना। तो देयरफॉर इन ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल, ये वाली ओएपी, ठीक है, यहाँ पे ये बड़ी वाली साइड का स्क्वायर, अगर छोटी वाली निकालनी, ये वाली, ये पी है, ये एच है, ये बी है, पता है ना, ठीक है। तो ओपी का स्क्वायर जो है बड़ी वाली साइड 10 उसके स्क्वायर के छोटी वाली के स्क्वायर के माइनस के, ठीक है, कितना आ गया 100 माइनस 64 कितना 36, ठीक है। नाउ 36 और ये तो ओपी स्क्वायर है ना, तो ओपी स्क्वायर जो है स्क्वायर दूसरी तरफ जाके रूट बन जाएगा, तो 36 किसका रूट होता है 6 का, देयरफॉर ए ओ पी हमारे पास 6 सेंटीमीटर आ गया आंसर, क्लियर। कितना इजी है ना स्टूडेंट, सभी सम ऐसे ही आपको इजी लग रहे हैं, आपने मेन यहाँ पे ट्रायंगल बना लेनी है, राइट एंगल ट्रायंगल, और कोई भी दो साइड्स आपको आ जाए होंगी, गिवन ही होंगी वहां पे, आप सिर्फ आपने देखना है कि कैसे लिखना है उनको, ठीक है। तो तीसरी साइड आपने बाय पाइथागोरस थ्योरम फाइंड आउट कर लेनी है, ठीक है। वीडियो को लाइक करो, फटाफट से शेयर करो अगर आपको समझ आया है तो। आओ बुक खोल लो बच्चे जरूर अपनी, सामने स्टेटमेंट वहां से देखो ध्यान से, जो मैं कह रही हूँ वो सुनो लिखो, फिर आएंगे इजी लगेंगे, ठीक है। फाइंड द लेंथ, सेकंड पार्ट देखो इसका, फाइंड द लेंथ ऑफ कोर्ड विच इज एट द डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस 13 सेंटीमीटर। कहता है कि ये जो लेंथ ऑफ कोर्ड है, ठीक है, वो क्या है,
फाइंड आउट करनी है आपने लेंथ ऑफ कोर्ड, जो जिसका डिस्टेंस जो है सेंटर से 5 सेंटीमीटर है और रेडियस जो है 13 सेंटीमीटर। देखो ये कोर्ड, ठीक है, सेंटर से डिस्टेंस 5 और रेडियस, ये रेडियस ही हुआ है ना सेंटर से, रेडियस 13। अब क्लियर ही है, बाय पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी यहाँ पे। इन ट्रायंगल ओएसी ये दो साइड गिवन है, तीसरी हमने फाइंड आउट करनी है ये वाली, ठीक है। तो ए सी स्क्वायर क्या आएगा, 169 माइनस 25, ठीक है, दोनों को स्क्वायर को किया और उनको माइनस करके कितना आंसर है, 144। 144 जो है ये ए सी स्क्वायर आया, ए सी कितना आएगा, √144, तो किसका होता है, √12 का, ठीक है। इट मींस ए सी हमारे पास आ गई 12 सेंटीमीटर, ठीक है। अब फाइंड आउट करनी थी टोटल लेंथ, तो टोटल जो है वो क्या होती है, डबल है ना, डबल होती है ना, ये सेंटर में बाइसेक्ट कर रही, इट मींस अगर ये 12 है तो ये भी 12 ही हुई, दोनों को ऐड कर दो। तो देयरफॉर ए बी क्या फाइंड आउट करना था, लेंथ ऑफ कॉर्ड, ठीक है, तो वही लिखो, लेंथ ऑफ कॉर्ड इक्वल टू 12 प्लस 12 24 सेंटीमीटर। क्लियर, क्लियर है स्टूडेंट फर्स्ट का सेकंड पार्ट, कितना इजी है, अच्छे से ध्यान से अगर आप एक बार भी समझ लोगे ना तो आपको पूरी एक्सरसाइज फटाफट से आई जाएंगे सब। बस जरूरत क्या है कि थोड़ा सा आपने स्टेटमेंट को केयरफुली पढ़ना है, वहां से ध्यान रखना है कि रेडियस कौन सा है, लेंथ ऑफ कोर्ड क्या है, ठीक है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाने की कोशिश करनी है और बाय पाइथागोरस थ्योरम आपका सामने आ जाएगा, ठीक है। नाउ सेकंड का ए पार्ट देखो, कोर्ड दी हुई है सी डी, डायग्राम सामने ही है, ठीक है, सेंटर ओ है, तो कहता है बाइसेक्ट कर रही है, पी जो है बाइसेक्ट परपेंडिकुलर बना रही है, ठीक जी है। और क्या दिया हुआ है, ओ ए ओ बी 15, ओ ए, ठीक है, ये 15 दी हुई है, यानी कि यहाँ सेंटर से है ना, तो ये अगर 15 है तो इसको अगर हम ज्वाइन करें तो ये भी तो रेडियस ही बन रहे है ना, तो ये भी तो 15 15 हुए ना। अब देखो एक साइड आ गई ना अपने आप ही हमारी ये वाली, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगी है ना, और ये साइड आ चुकी है। दूसरी साइड जो है यहाँ से ओ पी हमें दी हुई है 9, ये 9 है ओ पी, ये भी दे दी उसने, तो दोनों आ गई, ये 15 आ गई, ये 9, तो भाई राइट एंगल ट्रायंगल बन गई बाय पाइथागोरस थ्योरम, ये वाली साइड फाइंड आउट कर लो। तो सबसे पहले तो सी डी फाइंड आउट करनी है, फिर ए डी सी डी ए डी, ठीक है, ये वाली भी करनी है, उसके बाद सी बी सी बी, ये वाली साइड, तो 3 सम है इसमें स्टूडेंट्स। आप कोशिश करो कि पहले एक एक सम लेके चलो, जैसे सबसे पहले ये वाली साइड हमने फाइंड आउट करेंगे, ये तो साफ ही नजर आ रहा है ना, ये अगर आ गई तो ये डबल हो जानी, प्लस करके सी डी फर्स्ट पार्ट आ जाएगा। ऐसे दूसरा जब पार्ट करोगे ना तो इसको डायग्राम को अलग से बनाइए ना साथ साथ, फिर इजी रहेगा आपको। देखो फर्स्ट पार्ट क्लियर है ना, अब ये अगर 15 है रेडियस तो ये भी रेडियस ही हुए, ये 15 ये 9, तो इन ट्रायंगल ओ सी पी, ये वाली ट्रायंगल, ये वाली साइड निकाल सकते हैं, सी पी कितनी आ जाएगी, 15 का स्क्वायर करो साथ साथ, इजी है, फटाफट से करके देखो कितना आ गया, 225 प्लस 9 9 81, ऐड करो दोनों को, ऐड करके और सब्ट्रैक्ट, सॉरी दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना आ गया, 144। तो 144 जो है ये सीपी स्क्वायर आया, ठीक है, हमने सीपी फाइंड आउट करनी, तो सीपी आ गया √144 यानी कि 12। तो सेम ही सम अभी हमने किया, अगर ये 12 है तो ये भी तो 12 ही हुई, सी डी कितनी होगी फिर, 12 प्लस 12 24। देखो कितना इजीली फर्स्ट पार्ट आ गया हमारे पास है ना। ऐसे सेकेंड पार्ट जो है उसमें ए डी फाइंड आउट करनी है हमने, ये वाली, तो ऐसे करो आप एक अलग से एक सर्कल दोबारा बना लो, ठीक है, ये इस तरह से सर्कल ड्रॉ कर लिया, ये सभी पार्ट्स इसके लिख के, ये अब इजी है ना, ये ट्रायंगल बन रही है, ये वाली साइड जो है ये देखो, ये 15 और ये 9, टोटल कितनी हो गई, 24 है ना, इट मीन्स ये आ गई 24,
और नीचे तो ये वाली अभी हमने फाइंड आउट की थी 12, तो ये दोनों साइड है हमारे पास, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम हम फाइंड आउट कर सकते हैं ये वाली बड़ी वाली साइड, बड़ी वाली साइड का स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल होगा, छोटी वाली दोनों साइड के स्क्वायर के प्लस के बराबर। ठीक है, 24 को 24 से मल्टीप्लाई करो, 576 प्लस 144, 12 का है ना, दोनों को ऐड किया कितना आ गया 720। नाउ 720 आया एडी स्क्वायर, एडी जो है वो कितना आएगा रूट 720। ठीक है, तो 720 का रूट जो है वो कितना होता है, इसको अगर आप फैक्टर बनाओ तो 12 × 12 × 5। नाउ यहाँ पे फैक्टर बन गए, ये 12 बाहर आ गया, रूट फाइव, रूट फाइव स्टूडेंट, रूट फाइव की वैल्यू भी फाइंड आउट कर लो आप। ठीक है, कैसे, ये स्क्वायर रूट निकाल के, जैसे एट में सीखा था ना आपने स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना फाइव का, तो सामने रफ में इस तरह से करके देखो। ठीक है, ये आता है ना आपको डेसिमल वाला, 5 2 2 4 1 आ गया। पेयर फाइंड आउट निकाल, ऊपर से लेने हैं तो दो जीरो लगाएंगे पॉइंट लगा के। ठीक है, तो ये आपको आता ही है, पहले सीखा हुआ है ना आपने एट में। यस, तो ये आ गया आपके पास 2.236, तो 12 × 2, ये यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई कर दो, 12 × 2.236 मल्टीप्लाई करके आपके पास ये 26.83 सेंटीमीटर आएगा एडी साइड। ठीक है, नाउ ये था फर्स्ट पार्ट और ये सेकंड। ठीक है, अब थर्ड पार्ट में सी बी फाइंड आउट करनी है, ये वाली साइड। ठीक है, तो ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, इन सी पी बी ये वाली ट्रायंगल लेंगे अब छोटी वाली। ठीक है, अलग से इसको बना लो इस तरह से। ठीक है, ये ड्रॉ कर ली, सी बी स्क्वायर जो है यहाँ पे देखो स्टूडेंट, ये पूरी थी 24, ये ओ बी जो थी, ये रेडियस है ना ओ बी, कितनी थी रेडियस हमें 15 गिवन था, अगर ये 15 है ये 9 है, तो 15 में से 9 सब्ट्रैक्ट करोगे ये कितनी आ गई 6। ठीक है, क्लियर है यहां तक। नाउ ये 6 आ गई, ये है हमारे पास 12, तो तीसरी साइड ही फाइंड आउट करनी है, तो वो फाइंड आउट कर लेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम, 12 का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस 6 का स्क्वायर, 12 का 144, 6 का 36, दोनों को ऐड कर दो, ऐड करके आपके पास आएगा 180। नाउ 180 जो है वो सी बी स्क्वायर है, तो सी बी जो है वो रूट हो गया 180, तो यहाँ पे फैक्टर बना लो इसके, ये 9 × 2 = 18 और ये 10 × 2 = 10 होता है, ये 9 को भी लिख सकते हैं 3 × 3 है ना, 3 × 3 ये पेयर बन गया, ये भी पेयर बन गया रूट फाइव, 3 × 2 बाहर आ गए और ये रूट फाइव, तो रूट फाइव की अगेन वैल्यू अभी तो ऊपर फाइंड आउट की वही फिल कर लेते हैं, 6 × √5 की वैल्यू 2.236। ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करने पे आपके पास 13.42 सेंटीमीटर आ जाएगा आंसर। क्लियर, कितना इजी है ना, थोड़ा सा लेंथी है सम, लेकिन ध्यान से करोगे केयरफुली करोगे तो आपको इजी लगेगा। ये डायग्राम आप साथ साथ अलग अलग बनाई जाओ, क्योंकि एक में ही जब आप लिख लोगे ना तो कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो इसलिए साथ में जो पार्ट करना है उसके साथ वैसा ही सर्कल बना लो सेम। नाउ स्टूडेंट सेकंड का बी पार्ट जो है उसकी स्टेटमेंट पढ़ो, यहाँ पे रेडियस आपको गिवन है, दो पैरेलल कॉर्ड्स दी हुई हैं, उनकी लेंथ गिवन है, कैलकुलेट करना है हमने डिस्टेंस बिटवीन द कॉर्ड्स द टू वे से, कैसे, सेम साइड पे अगर सेंटर के हो या ऑपोजिट साइड पे हो अगर सेंटर के, तो पहले सेंटर के सेम साइड पे, ये सेंटर और उसके सेम साइड यहाँ पे, ठीक है, दोनों सेम साइड पे हैं तब डिस्टेंस बताओ। ठीक है, तो ये दिया हुआ था हमें कॉर्ड 8 और ये हाफ हाफ कितनी होगी 4 4, ये 6 और इसका हाफ 3 3। ठीक है, रेडियस दिया हुआ था ये कितना 5। ठीक है, तो ये ओ ए ओ बी ये ओ डी ये सभी रेडियस ही हैं, ओ सी ये कितनी है 5 सेंटीमीटर। नाउ इन ट्रायंगल दिस, तो सबसे पहले हम ये वाली लाइन फाइंड आउट कर लें परपेंडिकुलर,
ठीक है, ओपी इन ट्राइंगल ओ ए पी कितना आएगा, 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम ही है, 25 प्लस 16 सॉरी माइनस 16, ठीक है कितना आ गया 9। तो 9 किसका रूट होता है, ये ओपी स्क्वायर आया ना, तो ओ पी इक्वल टू रूट 9, 9 जो है वो 3 का, ठीक है। तो इट मीन्स यहाँ पे हमारे पास ओ पी जो है वो कितनी आ गई, 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये आ गई हमारे पास ओ पी इतनी, ठीक है। हमने ये वाला डिस्टेंस फाइंड आउट करना है पी क्यू, तो उसके लिए ये पूरी में से अगर हम ये सब्ट्रैक्ट कर दें तो आ जाएगा ना ये वाला डिस्टेंस, ठीक है। अब ये वाली तो आ गई यहां से, नाउ ये वाली ट्रायंगल लो पूरी, ये तो रेडियस ही है, ठीक है। यहाँ पे ये अगर 5 है रेडियस तो ये वाला भी 5, अलग से एक ट्रायंगल बना लो। ये ट्रायंगल से हम ये वाली लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं ना बाय पाइथागोरस थ्योरम इस तरह से। तो इन ट्रायंगल ओ क्यू डी ये वाली, ये तो 3 गिवन थी, ये भी 5, ये फाइंड आउट कर सकते हैं हम, है ना। कितनी आ गई, 25 माइनस 9 16, तो ओ क्यू स्क्वायर आया, तो ओ क्यू कितनी आ गई, रूट 16, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। नाउ ये पूरी है 4 और ये वाली है 3, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो वो ये पी क्यू आ जाएगी। तो देयर फोर डिस्टेंस बिटवीन कॉर्ड्स 4 माइनस 3 1 सेंटीमीटर, ठीक है। ये पूरी 4 आई ना यहां से, और ये हाफ पहले ही हम फाइंड आउट कर चुके हैं ऊपर 3, तो 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट कर दिए, कितना आ गया 1 सेंटीमीटर। इट मींस डिस्टेंस ऑफ कोर जो है वो कितना है, 1 सेंटीमीटर। क्लियर स्टूडेंट, फर्स्ट, ठीक है। ये बी का फर्स्ट पार्ट, अभी जब उसने कहा कि सेम साइड हो सेंटर के, ठीक है, देन इनका डिस्टेंस आ गया 1। नाउ दूसरा जो पार्ट है उसमें वो बोल रहा है कि ऑपोजिट साइड हो, यानी कि एक कोर्ड इधर और एक दूसरी तरफ इस तरह से, ठीक है। ये एक इस तरफ और एक इस तरफ, पहले दोनों सेम साइड थी ना, वो एक इस तरफ और एक इस तरफ, करना तो सेम ही है, ठीक है। सेम वही रेडियस दिए हुए हैं, ये 4 4 8 थी, ये 6 थी, 3 3 हो गया, ये रेडियस हो गए, ठीक है। नाउ इन दोनों का डिस्टेंस, तो क्या करेंगे, ये वाली ट्रायंगल में से ये वाली साइड निकाल लो, ये वाली ट्रायंगल में से ये वाली साइड, दोनों को ऐड कर दो। तो अभी तो फाइंड आउट किए हैं, सेम ही है, ठीक है, दोनों तरह से। ये देखो इसका पहले ओपी निकाला, 25 माइनस 16 कितना आ गया 9, ये आ जाएगा रूट, ठीक है, 3 सेंटीमीटर, ठीक है। दूसरी तरफ से यहां से ये वाली ट्रायंगल में 25 माइनस 9 कितना आ गया 16, और रूट 16 जो है वो क्यू कितना आ गया 4 सेंटीमीटर। नाउ दोनों की लेंथ जो है, डिस्टेंस बिटवीन टू कोर्ड्स कितनी आ गई, दोनों को अब ऐड कर दो, ये डिस्टेंस आ जाएगा, है ना, 4 प्लस 3 कितना आ गया 7 सेंटीमीटर। यही है, करके देखो आप, ठीक है, बहुत इजी है बच्चे, सम प्रैक्टिस करो साथ साथ, देखो कितने इजी लगेंगे आपको। नाउ नेक्स्ट स्टूडेंट, थर्ड सम देखो। इन सर्कल ऑफ रेडियस 17 सेंटीमीटर, 2 पैरेलल कॉर्ड्स ऑफ लेंथ 30 सेंटीमीटर एंड 16 सेंटीमीटर आर ड्रॉ। तो ये भी स्टूडेंट सेम वैसे, ये बी पार्ट किया ना सेकंड का, ठीक है, वैसे ही है सेम थर्ड सम भी। इसमें पहले इसने ऑपोजिट साइड कह दिए, ठीक है, तो सेंटर, और बाद में सेम साइड का है, ठीक है, तो पहले ऑपोजिट साइड वाले करेंगे। तो यहाँ पे ये रेडियस गिवन है 17, ये भी रेडियस हुआ 17, ठीक है। नाउ ये दो ट्रायंगल्स बन रही है, पहली सी ओ पी और दूसरी ए ओ क्यू, ठीक है। दोनों की ये वाली लेंथ अगर हम फाइंड आउट कर लें और देन दोनों को एड कर दें तो ये आ जाएगी कोर्ड का डिस्टेंस, ठीक है। तो सेम इन ट्रायंगल सीओपी 17 का स्क्वायर, बड़ी वाली साइड का, पाइथागोरस थ्योरम ही लगेगी ना जब भी राइट एंगल ट्रायंगल हो, तो बड़ी वाली साइड का स्क्वायर माइनस छोटी साइड का स्क्वायर,
कितना आ गया 17 को 17 से मल्टीप्लाई करो 289 माइनस 15 का 225। नाउ दोनों को सब्ट्रैक्ट किया कितना आ गया 64। ठीक है तो ये ओपी स्क्वायर है तो ओपी कितना आया रूट 64 जो है किसका रूट होता है 8 का। ठीक है ओपी आ गई हमारे पास 8 सेंटीमीटर। ठीक है नाउ इन ट्रायंगल दिस ये वाली ट्रायंगल में ये बड़ी वाली साइड ये बेस और ये ठीक है परपेंडिकुलर ये फाइंड आउट करना है तो 17 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर। ठीक है कितना आएगा 17 का 289 8 का 64 माइनस किया दोनों को कितना आ गया 225। ठीक है 225 जो है किसका रूट होता है स्क्वायर रूट जो स्क्वायर है दूसरी तरफ जाके रूट बन जाएगा तो ये होता है 15 का। ठीक है तो यहां से आ गई ओ क्यू हमारे पास 15 सेंटीमीटर। नाउ दोनों को ऐड कर दो ठीक है वो आ जाएगा डिस्टेंस बिटवीन कोर्ट तो डिस्टेंस बिटवीन कोर्ट दोनों को ऐड किया 23 सेंटीमीटर आ गया हमारे पास आंसर। क्लियर स्टूडेंट कितना इजी है ना बच्चे साथ साथ प्रैक्टिस करो फिर और इजी लगेगा आपको। ठीक है थर्ड का फर्स्ट पार्ट सबसे पहले जब स्टूडेंट शुरू करोगे ना सम तो ये लिख लेना ए बी गिवन है आपको 16 तो ए क्यू बी क्यू जो क्यू बी है वो कितना 8 हो गया ये पूरी 30 है तो सीपी और पीडी कितनी होगी 15। ठीक है फिर सम करना क्लियर। नाउ ऐसे ही थर्ड का सेकंड पार्ट जो है वहां पे कोड जो है सेम साइड पे लेनी है। ठीक है तो यहाँ पे ये पहले तो सेम वही लिखोगे सारा ए बी 16 है इसलिए 8 होगी ये सी डी 30 है इसलिए ये 15 होगी। ठीक है तो सबसे पहले ये वाली छोटी ट्रायंगल लेंगे ये वाली साइड फाइंड आउट करेंगे। ठीक है ओपी बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है कितना आ गया 289 माइनस 225 सेम ही आंसर आने हैं सिर्फ आपके वहां पे डिफरेंस लास्ट पे ही है। ठीक है कितना आ गया 64। नाउ 64 का रूट किसका रूट है ये 8 का तो पहली आ गई हमारे पास ओपी 8 सेंटीमीटर। नाउ इन ट्रायंगल ओ क्यू बी ये छोटी वाली ठीक है अलग से सर्कल बना लो एक ये वाली ट्रायंगल अब लेंगे ओ क्यू फाइंड आउट करनी है ना तो 17 रेडियस तो सेम ही रहेगा 17 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर कितना आ गया 225। नाउ ओ क्यू कितना आ गया रूट 225 रूट 225 जो है किसका रूट होता है 15 का। नाउ यहाँ पे ओपी आ गई आपके पास 8 और ओ क्यू 15 ये पूरी में से ओ क्यू में से अगर हम ओ पी जो है माइनस कर दें ये वाली जो आई है 8 तो आ जाएगा ये वाला डिफरेंस यही हमने फाइंड आउट करना है ना दोनों कोड का डिफरेंस। तो क्या करोगे डिफरेंस बिटवीन कोड्स 15 माइनस 8 ठीक है दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो 7 सेंटीमीटर। क्लियर स्टूडेंट तो ये था थर्ड का सेकंड पार्ट। क्लियर नाउ नेक्स्ट स्टूडेंट फोर्थ नंबर सम देखो ए कॉर्ड ऑफ लेंथ 48 सेंटीमीटर इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल। एक कॉर्ड दी हुई है उसका डिस्टेंस सेंटर से दिया हुआ है ठीक है और अनदर कॉर्ड जो है उसकी लेंथ दी हुई है और कहता है वो भी सेम सर्कल पे है फाइंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। इसका डिस्टेंस सेकेंड वाली जो अनदर कॉर्ड है उसका डिस्टेंस सेंटर से हमने फाइंड आउट कर तो इस तरह से पहले ड्रॉ कर लोगे। ठीक है ये डिस्टेंस हमें गिवन है ये वाला डिस्टेंस हमने फाइंड आउट करना है ठीक है ओ ई फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले तो ये क्या है ओ सी ओ ए रेडियस है ठीक है और ये कोड दी हुई लेंथ उनकी ये हाफ हाफ कितनी हो गई 24 24 ये 20 थी तो 10 10 ठीक है। नाउ इन ट्रायंगल ईओपी ए ओ पी ये वाली ट्रायंगल यहाँ पे तो दोनों दिए हुए हैं ना तो ये वाली ट्रायंगल लेके चलो बाय पाइथागोरस थ्योरम 24 का स्क्वायर ये बी है और ये पी तो फिर दोनों को प्लस करेंगे तभी बड़ी वाली साइड आएगी ठीक है 24 का स्क्वायर 576 प्लस 10 का 100 ठीक है ऐड कर दो दोनों को कितना आया 676। नाउ 676 जो है वो किसका रूट होता है ठीक है 26 का
तो ओ ए हमारे पास आ गई 26। नाउ स्टूडेंट ध्यान से देखो जरा, ओ ए जो है वो रेडियस है, तो अगर ये 26 है तो ये भी तो 26 ही होगी ना, रेडियस तो सेम ही होगा ना सर्कल से। ठीक है, अब ये आ गई हमारे पास और ये तो पहले ही है, ये वाली चीज हम फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, बाय पाइथागोरस थ्योरम, ये भी तो राइट एंगल ट्राइंगल है, तो बड़ी वाली का स्क्वायर माइनस छोटी वाली का स्क्वायर ओ ई आ जाएगा। ठीक है, इस ट्राइंगल से 26 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर। ठीक है, तो करो इसको स्क्वायर, कितना आया 26 का 676, अभी तो यहां पे किया। ठीक है, माइनस 100 माइनस किया तो कितना आ गया 576। तो ये 576 जो है किसका रूट होता है 24 का, तो ओ ई आ गई हमारे पास 24 सेंटीमीटर। यही तो फाइंड आउट करनी थी, है ना, कितना इजी है ना, लेकिन ध्यान से करना है। ठीक है, समझ आ रही है ना बच्चे, फटाफट से वीडियो को लाइक शेयर जरूर करो। फिर नेक्स्ट भी थोड़ा थोड़ा सेम ही है, यहाँ पे हमें ये दो कोर्ड्स दी हुई हैं, ठीक है, उनकी लेंथ गिवन है और डिस्टेंस गिवन है, बीच वाला पूरा डिस्टेंस 17 है, तो अगर एक हम मान ले x तो दूसरा 17 माइनस x हो जाएगा। ठीक है, लेट कर लो कि ये वाला x है तो ये हो गया 17 माइनस x। ठीक है, तो ये वाली रेडियस हमने क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये 10 दी हुई थी, ये भी 5 5 होगी और ये 24 है, 12 12 होगी। ठीक है, तो यहाँ पे लेट कर लिया हमने, ये एक्स है और ये हो गई 17 माइनस x, क्योंकि पूरी लेंथ दी थी उसने कितना 17। ठीक है, इस तरह से लिख लोगे लेट करके। नाउ इन ट्रायंगल एओपी, एओपी ये वाली ट्रायंगल अगर लो, तो यहाँ पे ओपी स्क्वायर जो है एक्स स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, कितना आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 25। ठीक है, इसे नंबर 1 दे लो। ये ओ ए क्या है स्टूडेंट्स, रेडियस है ना, तो इसको लिख लो आर, आर स्क्वायर। ठीक है, रेडियस आर आर लिख लो यहाँ पे, क्लियर। नाउ दूसरी तरफ इन ट्राइंगल सीओ क्यू, ये वाली जो है, यहां भी ये ओ सी क्या है, रेडियस है, आर स्क्वायर इक्वल टू 144 12 का, और यहाँ पे इसको खोल लो, ए माइनस बी का होल स्क्वायर लग रहा है। ठीक है, नहीं तो ऐसे पहले लिख लो 17 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको नंबर 2 दे लो। नाउ फ्रॉम 1 एंड 2, यहाँ पे लेफ्ट साइड दोनों की सेम है, रेडियस तो सेम है ना, तो अगर लेफ्ट सेम है तो राइट भी सेम होगा। फ्रॉम 1 एंड 2, 1 एंड 2 से ये जो साइड है इसकी राइट दूसरे वाले की राइट के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, नाउ अब यहाँ पे सोल्व द इक्वेशन होगी, सोल्व द इक्वेशन करो, एक्स स्क्वायर प्लस 25 इक्वल टू 144, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगाओ, 17 का स्क्वायर, a स्क्वायर कितना होगा 17 को 17 से मल्टीप्लाई करो, 289 प्लस b स्क्वायर कितना आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू 17 इंटू एक्स, तो कितना आ जाएगा 17 2 34x। ठीक है, नाउ यहाँ पे अगर हम ये वाला x और 25 इस तरफ लेके जाए, एक साइड ही ले जाए ना सबको, ये 144 प्लस 289 दोनों को ऐड कर देना था, चलो नेक्स्ट स्टेप में कर लेते हैं। ये एक्स स्क्वायर इधर आया माइनस 25 भी दूसरे पास साइड पे क्या हो गया 0। नाउ ये एक्स स्क्वायर के साथ कैंसिल हो गया। ठीक है, ये वाला एक्स स्क्वायर, ये वाला, नाउ यहाँ पे इन दोनों को ऐड करो, जितना आंसर आएगा उसमें से 25 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा करके देखो, ये आ जाएगा आपके पास माइनस 34x और ये प्लस का 408, नाउ ये आ गया 408 इक्वल टू 0। ठीक है, नाउ x एक तरफ ले जाओ दूसरी तरफ, ये 34 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा ना, 34x इक्वल टू 408, उल्टी साइड कर ली दोनों की। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 408 ओवर 34। ठीक है, ये कटिंग हो रही है, डिवाइड करके दोनों को आपके पास आएगा 12। ठीक है, नाउ 12 आ गया तो किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो यहाँ पे, फ्रॉम 1 पहले
पहली इक्वेशन में पुट करो आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स के प्लेस पे 12 फिल करना है हमने, ठीक है, प्लस 25, 144 प्लस 25 कितना आ गया, प्लस करके दोनों को 169, तो 169 जो है किसका रूट होता है 13 का, तो देयर फोर रेडियस आ गया हमारे पास 13 सेंटीमीटर। तो यही फाइंड आउट करना था हमने रेडियस ही, क्लियर। तो हमने क्या किया, दोनों ट्रायंगल लेके दोनों के रेडियस इक्वल कर दिए, ठीक है, लेफ्ट साइड राइट के इक्वल है तो लेफ्ट जो है लेफ्ट के इक्वल है, राइट राइट के इक्वल हो गए, यहां से एक्स की वैल्यू निकली, फर्स्ट इक्वेशन में पुट करके रेडियस 13 सेंटीमीटर आ गया, क्लियर। नाउ स्टूडेंट नेक्स्ट सिक्स, हम देखो यहाँ पे ये डायग्राम दिया हुआ है आपको, तो ये क्या है इसका रेडियस, ठीक है, रेडियस हमने फाइंड आउट करना है। तो ये पूरा ये भी तो एक रेडियस ही है ओ सी, तो अगर हम रेडियस आर मान के चले, ये भी आर हो गया, ये पूरी लेंथ आर होगी इसकी, ठीक है, तो ये इतनी जो है ओ ई वो कितनी होगी, ये पूरी आर, और आर में से अगर 3 माइनस कर दें, इतनी 3 है ना, तो ये आ जाएगी आर माइनस 3, दो साइड आ गई हमारे पास, बीसी हम फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना, ये वाली ट्रायंगल लेके इस तरह से लिख लोगे सारा, ए ई जो है वो कितनी है 4 4, टोटल 8 दी हुई थी, वहां लिखा ही हुआ है 4 4 गिवन ही है, ये 3 है, सी ई ये लेट कर ली, रेडियस है तो ये हो गया आर माइनस 3, दिस ट्रायंगल में ये कितना आ गया, ये आर माइनस 3, ठीक है। नाउ सॉल्व कर लो इसको, ये हो गया रेडियस का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 9 3 3 का, ठीक है, माइनस 2 ab, ए आर है और बी 3, मल्टीप्लाई करोगे 6 r आ गया, ठीक है। नाउ यहाँ पे आर स्क्वायर क्या हो जाएंगे, कैंसिल, ठीक है, 6 r दूसरी तरफ ले जाओ, प्लस हो गया था जाके 16 और 9 कितने आ गए 25, तो यहाँ पे r की वैल्यू आपके पास आ गई 25/6, ठीक है। नाउ आपके बैक पे आंसर जो है वहां डिवाइड करके आंसर दिया गया है, तो 25 को 6 से डिवाइड कर लो, 4 24 और 1 बच गया, ठीक है, ये रफ में करना आप, रेडियस आ गया आपके पास 4 1/6 सेंटीमीटर, ठीक है, रेडियस, क्लियर। फर्स्ट पार्ट तो आ गया, सेकंड पार्ट देखो, नाउ सेकंड पार्ट में भी हमें रेडियस ही फाइंड आउट करना है, ठीक है, ये डायमीटर दी हुई है सी डी जो है, ये ए बी आपके पास है 8, तो ये हो गई 4 4, सी एम कितनी 2, तो सेम वैसे ही है, सेम वही है, सेम फर्स्ट पार्ट जैसा ही है, सिर्फ वैल्यूज डिफरेंट है, यहाँ तो 4 4 ही था, यहाँ पे वहां 3 था, इसकी लेंथ दी हुई, यहाँ पे 2 दी हुई है, सेम वैसे ही करोगे, रेडियस आर मान लोगे तो ये कितना हो जाएगा आर माइनस 2 ये वाली, ठीक है। अब ये दो चीजें आ गई हमारे पास, ये ओ ए इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा, ये हो गया आर स्क्वायर, ये 16 आर स्क्वायर प्लस 2 to the 4 माइनस 2 to the 4 r, आर स्क्वायर के साथ आर स्क्वायर कट गया, ठीक है, 4 r इस तरफ ले आओ, उधर आ गया 16 प्लस 4 20, r की वैल्यू आपके पास आ गई कटिंग करके 5, तो रेडियस आपके पास 5 सेंटीमीटर, ठीक है, सेकंड पार्ट में, क्लियर। इजी है बच्चे, साथ साथ प्रैक्टिस करो फिर इजी लगेंगे आपको, सिंपल, हर एक सामने आपने देखा कि पाइथागोरस थ्योरम लगा के, ठीक है, वही फार्मूला लगाया है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, है ना। तो स्टूडेंट फटाफट से वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, क्योंकि वीडियो जो है वो लंबी हो जाएगी, तो 6 सम तक आप इजिली प्रैक्टिस करो, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट सम लेके आएंगे। तो स्टूडेंट देखा कितने अच्छे से हमने ये टॉपिक सीखा है, तो ऐसी और स्टडी वाइज वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर जरूर करें, थैंक यू।